ठीक है, सब्जेक्टिव शीट नंबर टू होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर ए से लेके ई तक पार्ट्स हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई पार्ट सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं तो आपके स्टेप्स को चेक कर ही लूँगा जो आप सबमिट करेंगे। तो ए पार्ट में यू इन टू वी लगाया और बाकी पार्ट्स में यू अपॉन वी लगाया, ऐसे किया। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर टू में यू इन टू वी लगाया, यू एंड वी, वैसे ओपन भी कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री हमने किया हुआ है, स्टेप्स में चेक कर दूंगा, स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने किया हुआ है सब चेकिंग हो जाएगी। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर फोर में कोई डाउट, कोई चाहता है सॉल्व करने को, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स के फर्स्ट थ्री पार्ट तो क्लियर हैं। नेक्स्ट पार्ट एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या क्वेश्चन है? साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, कैसे किया आपने? यू अपॉन वी, ऐसे किया। तो आपने इसको क्या माना? यू, इसको क्या माना? वी। तो डिनोमिनेटर वी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या थी? कॉस एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा? वन आंसर। तो क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट भी एक बार करना चाहता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ, अपना आंसर चेक कर लें, साइन ऑफ एक्स का क्यूब, बोलो क्या आंसर है? कॉस ऑफ एक्स का क्यूब इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब, यानी कि कॉस ऑफ एक्स क्यूब इन टू थ्री एक्स स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने किया था साइन कॉस का फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट सेवन्थ के तो आंसर जीरो ही होंगे डिफ्रेंसिएशन के। एट्थ क्वेश्चन में क्या आंसर आया आपका? क्योंकि एस की वैल्यू क्या गिवन है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपको निकालना क्या है? डी एस बाई डी टी। एक काम करते हैं, डी एस की जगह रिप्लेस करते हैं यू टी प्लस हाफ इन टू ए टी स्क्वायर। ये किया होगा आपने। तो यू एंड ए बोथ आर कॉन्स्टेंट, तो u इंटू डी टी बाई डी टी प्लस हाफ और a कॉन्स्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ t का स्क्वायर। तो u इंटू वन हाफ a इंटू टू इंटू टी, टू से टू कैंसर, यही आंसर आया u प्लस ए टी। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन का क्या आंसर आया? 30। कितनों को डाउट है? ठीक है, 30 है डाउट। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में एरिया की वैल्यू आपको गिवन है 3t² प्लस 7 cm². आपको निकालना है डी ए बाई डी टी जब टाइम की वैल्यू कितनी है? 5 सेकेंड। तो आप एक काम करें, डी बाई डी टी ऑफ एरिया, एरिया की जगह 3t² प्लस 7। तो यहाँ से डी ए बाई डी टी की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा? 3t² की डिफ्रेंशिएशन क्या है? 2t, और 7 की डिफ्रेंशिएशन क्या है? 0। तो क्या आएगा? 60। तो आप टाइम की वैल्यू यहां से यहां पुट करें, 30 cm² पर सेकेंड इज द आंसर। तो यूनिट भी पुट करने हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक बार देख लो कैसे करना है। डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन। तो लॉग के आगे जो भी टर्म है वो डिनोमिनेटर में आएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन। तो ये टर्म एज इट इज आएगी, x माइनस थ्री अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह सीधा क्या पुट करेंगे वन, इसकी जगह जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन होल रेज टू पावर हाफ। तो यहाँ पर वन बाय एक्स माइनस थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन, वन प्लस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन होल रेज टू पावर हाफ माइनस वन इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, टू एक्स माइनस सिक्स आ जाएगा। तो मेथड यही किया, क्या सबने यही लगाया क्या, ठीक है यहाँ तक ऐसे ही किया ठीक है। इलेवेंथ क्वेश्चन में क्या किया, यू अपॉन वी। तो इलेवेंथ क्वेश्चन के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ जो टर्म है वो है, इधर लगा दिया साइन एक्स, ये क्या है लॉग एक्स, ये क्या है ई की पावर एक्स, तो ये क्या है यू, ये क्या है वी। तो लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। इसकी जगह क्या आएगा कॉस एक्स, इसको ओपन करेंगे डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स क्या आएगा वन बाई एक्स, और ई की पावर एक्स की जगह ई की पावर एक्स। ऐसे ही है, ट्वेल्थ कर लिया था, थर्टीन के सारे पार्ट क्लियर हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फोर्टीन्थ कर लिया था, फिफ्टीन्थ कर लिया था, सिक्सटीन्थ का आंसर क्या है कितना सिक्स, कितने को डाउट है इसमें सिक्सटीन्थ में डाउट है पूछ सकते हैं सिक्सटीन्थ। सिक्सटीन्थ सेवनटीन्थ में डाउट क्या आंसर है तो ठीक है, इसमें लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ एस इज टी स्क्वायर प्लस वन फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम वन सेकेंड टू टाइम थ्री सेकेंड। तो एक काम करते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होती है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, मतलब एस टू माइनस एस वन बाय टी टू माइनस T1। जब टाइम 1 है तो S1 कितना है 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और S2 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9, T स्क्वायर प्लस क्या है T स्क्वायर प्लस T। फिर से एक बार, जब टाइम 1 है तो यहां पर क्या पुट होगा, जब टाइम की वैल्यू ये 3 है, जब टाइम की वैल्यू 1 है तो S1 की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1 2, और जब टाइम 3 है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, तो क्या आएगा 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 3 माइनस
वन, 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आंसर क्या आएगा 5। क्लियर है यहां तक? आंसर 5 है।